अवस्थी जनपद में हुआ भयंकर सड़क हादसा। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 9 लोग गंभीर रूप से घायल। जी आपको बता दें, श्रावस्ती जनपद में आज सुबह नेशनल हाईवे 730 पर भयंकर सड़क हादसा देखने को मिला, जहां पर एक इनोवा जो लुधियाना से इकोना जा रही थी, तभी इनोवा कार अनियंत्रित हो गई और पेड़ से टकरा गई। कार में सवार लगभग 14 लोग बताया जा रहे हैं, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताया जा रहे हैं। स्थानीय लोगों की मदद से आनंद पानम ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और सूचना मिलने पर घटना स्थल पर पहुंची। क्षेत्रीय पुलिस कार्य में जुट गई और आपको बता दें, मृतक लोगों के शव पुलिस ने पंचनामा भरकर पीएम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि लुधियाना से इनोवा गाड़ी में सवार 14 लोग श्रावस्ती जनपद के एक गांव में जा रहे थे, जिसमें दाह संस्कार में सम्मिलित होने जा रहे थे। लुधियाना से ये लोग एक इनोवा कार में सवार होकर श्रावस्ती आ रहे थे, तभी इकोना थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुनगई के पास भयंकर सड़क हादसा देखने को मिला, जिसमें 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 8 लोग की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी घायलों को बहराइच ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है और ट्रामा सेंटर से कुछ लोगों को लखनऊ रेफर कर दिया है गया है। और जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कितना भयंकर सड़क हादसा हुआ है, जिसमें इनोवा कार के पर खच्चे उड़ गए और वहीं घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने जायजा भी लिया है, जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और वहीं मृतक परिवार में रो रोकर बुरा हाल है और पूरे मामले पर पुलिस तत्परता दिखाते हुए आगे कार्रवाई करने में जुटी हुई, जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। आइए सुनते हैं क्षेत्रीय प्रधान और पुलिस अधीक्षक का साफ तौर से क्या कहना है। प्रधान जी, ये लोग किसकी मिट्टी में आ रहे थे, गांव में किसकी मौत हुई है? एक हमारे गांव के भगवती प्रसाद है, जो कल उनका मृत्यु हो गया था, और उन्हीं के लड़के भगवती प्रसाद के मिट्टी में लुधियाना से आ रहे थे, आज उनकी मिट्टी होनी थी, तो रास्ते में ये बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया। तो मतलब अभी उनकी भी मिट्टी नहीं हुई है? अभी उनकी मिट्टी नहीं हुई, डेड बॉडी गांव पे रखी हुई है। अच्छा, कुछ महिलाएं बच्चे कितने, कुछ जानकारी मिल पाई? हाँ, महिलाएं बच्चे कुल मिला के लगभग 5 लोग की मृत्यु हुई है, और ये घर पे भी डेड बॉडी जो सामान्य मौत हुई है उसी में से आ रहे थे। अच्छा, भैया आपने देखा, दुर्घटनास्थल पर आप आए हैं, क्या लगता है कैसे दुर्घटना हुई? क्या किसी टक्कर मारी की टायर फट गया है? नहीं, हमको तो लग रहा था कि ड्राइवर सो गया है, टक्कर वाली नहीं लग रही। ड्राइवर कहाँ, ड्राइवर की भी मौत हो गई? ड्राइवर की भी मौत हो गई, वही लुधियाना या कहीं बाहरी का रहने वाला है वो। आज सुबह 6 बजे थाना क्षेत्र इकोना से एक सूचना प्राप्त हुई एक्सीडेंट की। ये सुनरई गांव पड़ता है, जहाँ पे एक इनोवा गाड़ी की टक्कर हुई पेड़ से। जब मौके पे पुलिस बल पहुंचा तो गाड़ी को JCP के थ्रू बाहर निकाला गया गड्ढे से। उस गाड़ी इनोवा में 14 लोग थे, और जब इसमें और जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला ये सब लुधियाना से आए थे। इनका एक क्रिमेशन था यहाँ पे इकोना में ही, उसमें ये लोग सम्मिलित होने आए थे। सभी को CSC इकोना पहुँचाया गया, वहाँ पे 6 लोगों की मौके पे ही मृत्यु हो गई, और जो 8 लोग हैं उन सभी को बहराइच रेफर किया गया है। बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है, इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।